It's 11th March 2023 and I've spent around 2 days in Luxembourg and tried to explore as many places I could from north to south. So here is my experience of this solo trip. So I am in Luxembourg. Luxembourg, the smallest country and the most richest, like the second richest country in the world. इस समय बज रहे हैं सुबह के 8 और मेरी बस है. एक्चुअली मैं एक छोटे से विलेज में जा रही हूँ, तो ये मैंने डिसाइड करा था कि आई विल जस्ट गो टू डू सम ट्रैकिंग काइंड ऑफ स्टफ और उसके बाद मैं लक्जमबर्ग सिटी मतलब एक्सप्लोर करूँगी. सो आई हैव इनफ टाइम, तो मैंने एक अपने होस्ट के साथ मिलके थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली लाइक सोचा कि कैसे कैसे जाना चाहिए. देन आई थॉट टू गो देयर. सो अभी मेरी बस है लाइक 1-2-3 मिनट बाद. और लक्जमबर्ग के बारे में तब तक मैं बताऊं कि एज आई ऑलरेडी सेड, बहुत छोटा देश है, ऊपर से बहुत रिच है. लाइक पर कैपिटा एज आई टॉक अबाउट, इट्स अराउंड लगभग एक साल में जो होती है वो होती है 1,27,000 dollars, विच इज़ अराउंड 1.5 crores. तो एनुअल इनकम आप सोच सकते हो कितनी होती है. सो दिस इज़ अ कंट्री जहाँ पर देर इज़ नो क्राइम्स और इतनी सारी मर्सिडीज़ और BMW और मतलब क्या बोलूँ मैं, इतनी ख़तरनाक गाड़ियाँ मेरे बगल बगल से निकल के जा रही है. यार दिमाग ख़राब कर दिया यार लोगों ने. कल से मैं यही देख रही हूँ, मतलब एक से एक बेहतरीन गाड़ियाँ. खैर मैं क्या कह रही थी कि यहाँ बिल्कुल रेप मतलब लाइक बी रेप्स मर्डर्स और क्राइम्स चोरियाँ क्या ही होंगी, हर इंसान इतना अमीर है. और अभी फ़िलहाल मौसम बहुत देख ही सकते हो, ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, पूरे में सन्नाटा है. और बस मैं अभी अपनी बस का वेट कर रही हूँ और मेरे होस्ट का घर बस यहाँ से ये 3-4 मकान छोड़ के ही है बस, तो मेरे को ज़्यादा वो नहीं हुआ. अभी लेट्स सी कभी आने वाली है. बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी बस जा चुकी है. बस क्या जा चुकी है, मैं गलत बस में बैठ गई थी. मुझे लग रहा था मैं ठीक जगह पे बैठी हूँ, मतलब मेरे को ना ऐसे चेंज करनी थी, मतलब उतर के और उस तरफ जाना था और मैं गलत बस में बैठ गई, सेम साइड पर बैठ गई थी. अभी क्या बैठी हूँ गलत सब जगह पे आ गई, वो तो बस वाले ने मेरे को बता दिया कि कैसे कैसे कहाँ से जाना है. बहुत कंफ्यूजिंग सा है, नाम बहुत अजीब है, तो वो जब तक ऐसा लगता है कि हमारे स्टॉप आने वाला है तब तक वो आके जा चुका होता है, ऐसा सो रहा है. बस वाला यहाँ पर लेकर आया है, आप पीछे व्यू देखो इतना प्यारा लग रहा है. और वो मेरे को लेकर आया था जिससे मैं मुलरथल पहुँच सकूँ. अभी वो खुद उतर कर मतलब देख रहा है कि मेरे को यहाँ से नेक्स्ट बस कौन सी मिलेगी. चुकी हूँ एस्टनेश, जो कि एक विलेज है, शहर विलेज जिसका बॉर्डर मतलब जो कि जर्मनी के बॉर्डर पर है. तो इस समय मैं बिल्कुल जर्मन बॉर्डर पर ही खड़ी हुई हूँ, इसके बिल्कुल बगल से ही जर्मनी है. और जो मेरी नेक्स्ट ट्रेन है वो है 11 बजे, अभी बज रहे हैं 10, तो मेरे पास 1 घंटा है. यहाँ पे बिल्कुल ही बगल में एक चर्च है, बहुत प्यारा चर्च है. मैं बस अब सोच रही हूँ कि मैं वहाँ पर जाऊँ और ऑब्वियसली 1 घंटा मैं वही करूँगी, सो आई जस्ट गो दैट. और आई थिंक यहाँ पे आज बर्फ़ पड़ी थी सुबह सुबह, तो जब मैं रास्ते में आ रही थी वो बिल्कुल शिमला वाली वाइब्स आ रही थी मेरे को. वैसी रोड थी, ऐसे स्लोपी सी रोड थी और ये काफ़ी ऊपर नीचे है, लाइक छोटे छोटे हिल्स हैं उसके ऊपर, मतलब घर ऊपर हैं नीचे हैं और पूरे में फॉग हो रहा है. ऑल्सो मतलब बादल बहुत नीचे हैं, तो बहुत प्यारा माहौल सा लग रहा है. हाँ ठंड है और ठंड लग भी बहुत रही है,
बट आई एम लाइकिंग इट. और ये कंट्री बहुत प्यारी है, लाइक लिटरली मैं बताऊँ आपको कि अगर हम जब उसके लोगों से कनेक्ट करते हैं ना, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके उनसे बातें करते हैं, यहाँ पर बस वाले से काफ़ी देर तक बात की, तो मेरे को पता चला दैट पीपल हियर आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे आर डूइंग. तो इस वजह से यहाँ पे क्राइम्स बिल्कुल नहीं होते. तो उसने बताया मेरे को कि जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई क्राइम होगा ना, वो चोरी हो जाएगी. वो चोरी भी कौन करता है? जो बॉर्डर से, मतलब बाहर से लोग आते हैं. तो लग्जमबर्ग के लोग कभी ऐसी चोरी वगैरह नहीं करते. दिस इज समथिंग वेरी नाइस एंड पीपल हियर लव देयर जॉब. मिनिमम टू मिनिमम सैलरी अगर मैं बताऊँ किसी पर्सन की कितनी होगी, तो वो अराउंड 4,000 to 5,000 euros देखा जाए तो लगभग 4-4.5 लाख रुपए पर महीने कमाते ही है. मतलब इससे कम तो कोई कमाता ही नहीं है. तो यू कैन इमेजिन हाउ वेल्दी रिच एंड सेटिस्फाइड दिस कंट्री इज. चर्च से बाहर आ गई हूँ और वो लग्जमबर्गिश भाषा में बोल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा. पर एक चीज़ मेरे को एकदम से ही अपने स्कूल की याद आ गई, बिल्कुल वो क्वायर और फादर की स्पीच और ऑल्सो दैट आर फादर हु आर्ट इन हेवन हैलोड बी थy नेम. यार everything just flourished in front of my eyes. बिल्कुल वैसा ही लग रहा था लाइक जब करण सर क्वायर के लिए कीबोर्ड बजाते थे, तो वो जो एक बेस होता था, आई कुड फील दैट बेस. लाइक वो सेम बिल्कुल ऐसा ही था. मतलब मेरे को ऐसा डिफरेंस नहीं लगा यहाँ पे देखने में, कुछ नया नहीं लगा क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन इन आर स्कूल. बड़ा अच्छा सा लगा, कुछ समझ में नहीं आया बट मेरे को टाइम वैसे भी बिताना था, उनको अच्छा लगा. और मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गई हूँ, मुलरथल, जो कि एक छोटा सा गांव है और नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है. और ये देखो नीचे प्यारी सी नदी बह रही है और पीछे पूरा इट्स काइंड ऑफ अ स्लोप ऐसे ऐसे है ऊपर नीचे. बहुत बहुत प्यारा है, बहुत बहुत अच्छी वाइब्स आ रही, बहुत सुंदर लग रहा है. ट्रैकिंग करने के लिए और मेरे को पता नहीं है रास्ता, और यहाँ पे कोई मेरे को दिख भी नहीं रहा है जो ट्रैकिंग करने जा रहा हो. मेरे होस्ट ने बोला था कि लोग होंगे जो जा रहे होंगे तो तुम उनके पीछे जा सकती हो, बट मेरे को कोई मिल नहीं रहा. अब मैं किसी इंसान को ढूंढ रही हूँ जिससे मैं पूछ सकूँ कि मैं जाऊँ कहाँ से.
तो पूछने पर पता चला कि दो रोड जाती हैं, एक तो ये सिंपल ये वाली जो रोड है ये पीछे ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, इसको फॉलो करते जाना है, और एक मेरे को पता नहीं आप लोग देख पा रहे होंगे कि नहीं, पर पीछे पहाड़ी से मतलब एक पीछे पहाड़ी से जाने का है, वो ऐसे पहाड़ी से ऊपर जाना है। तो उसने बोला कि ये तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट होगा मेरे शूज़ में, पता नहीं क्यों बोला, क्योंकि मैं तो वैसे बूट्स पहनी हुई हूँ, बट मे भी। तो उन्होंने बोला कि इसी को फॉलो करते जाओ रोड को और इट विल बी ईजी फॉर यू। तो बस, और इतना प्यारा, इतनी शांति है यहाँ पे, जस्ट बहुत प्यारा लग रहा है। अभी तो स्टार्टिंग में ही इतना प्यारा लग रहा है देखने में, आई एम वेरी एक्साइटेड। और मतलब ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा मेरा, मेरे को इस ये छोटा सा एक गांव मैंने अपने उसमें आइटनरी में डाला, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब जिन लोगों को ऐसी जगह पे आना पसंद है शांति भरी, तो फॉर देम इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ज़रूर आए, मतलब बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत शांति है, हद शांति है। और यहाँ का आर्किटेक्चर तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं बेल्जियम में फ्रांस में गई हूँ, तो बेल्जियम फ्रांस से बिल्कुल अलग है, यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ख़तरनाक, बहुत प्यारा, मतलब बिल्कुल जैसे हम ड्रीम हाउसेस अपने सोचते हैं ना, सेम मैंने यहाँ पे देखे हैं। तो मैं बस अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ, और कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है, मतलब ये पीछे नदी बह रही है और बहुत शांति है। अरे कितनी बार ही बोलूँ मैं, मतलब इतनी क्रिस्टल क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत प्यारा है। बहुत सारी अच्छी अच्छी एकदम सीनिक व्यू देखने के बाद अब मैं वापस मुलेरथल बस स्टॉप पर आ गई हूँ, और ये देखो पीछे ये क्या झोपड़ी ऐसी बनी हुई है, ये एक्चुअली बस स्टैंड है। हाँ, और इसके अंदर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे लगा हुआ है ये चार्ट, कब कब कौन सी बस आती है। एक्चुअली इसका आर्किटेक्चर मेडिवल पीरियड का है, तो इन लोगों ने उसको बरकरार रखा है, कुछ चीज़ें नहीं तोड़ी हैं, और इनकी कुछ सड़कें भी हैं जो कि पुरानी जैसे मेडिवल पीरियड की थी इनकी हिस्टोरिकल, तो उसको इन लोगों ने ऐसे ख़राब नहीं किया है, उसको ज़्यादा इनोवेट वगैरह कुछ नहीं किया है, तो वो काफ़ी अच्छा एकदम लुक दे देता है। तो अभी फ़िलहाल मेरी 2 बजे की बस है, मैं वापस अपने होस्ट के रूम मतलब घर पर जाऊँगी, मेरे को थोड़ा सा फ़ोन अपना चार्ज करना है, उसके बाद फिर मैं लग्जमबर्ग सिटी जो भी है देखने के लिए वहाँ जाऊँगी। तो रास्ते में मेरे को कुछ जर्मन लोगों से दोस्ती हो गई थी, तो उन लोगों ने मेरे को छोड़ दिया अपनी कार से, मतलब ये एक मेन बस स्टॉप है, क्योंकि वो थोड़ा ना विलेज एरिया मतलब वो आउटर एरिया है, तो वहाँ पे बस नहीं मिलती, तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। अब मैंने भागते भागते ये बस पकड़ ली, अब बस मैं अपने होस्ट के घर जाऊँगी, फ़ोन चार्ज करूँगी, उसके बाद सिटी घूमने निकल जाऊँगी। बहुत सारा रेस्ट करने के बाद, अगला दिन होने के बाद मैं वापस आ गई हूँ। अब मेरे पास लगभग 4-5 घंटे हैं,
तो मैं मेन सिटी सेंटर में घूमूंगी, उसके कुछ थोड़ी थोड़ी फोर्ट या कैथेड्रल या फिर कुछ व्यूज हैं जो कि बहुत प्यारे हैं जहाँ मैं जाने वाली हूँ। तो अभी बस मैं बस स्टॉप पर हूँ और उसके बाद मैं अपनी बस लूँगी। मैं मेन सिटी सेंटर आ चुकी हूँ, यहीं से मेरे को सारी जगह पे जाना है अभी। तो आज है मंडे और सब लोग, आज भीड़ ज़्यादा है क्योंकि सब लोग अपने काम वगैरह पे निकले हैं। कल वीकेंड था तो कल बहुत शांति थी, आज काफ़ी ट्रैफिक भी दिख रहा है, लोग मतलब गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और लोग भी चलते हुए दिख रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ पैनोरामिक व्यू पर। एक्चुअली लग्जमबर्ग सिटी दो लाइक ओल्ड सिटी न्यू सिटी दो तरह की, मतलब ऊपर नीचे है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो ऊपर से नीचे वाली सिटी दिखती है तो उसको पैनोरामिक व्यू बोलते हैं। अब मैं बस वहीं जा रही हूँ। और कल जो मैंने गाड़ियाँ देखी थी उससे बेहतरीन गाड़ियाँ आज देखने को मिल रही हैं रोड पर, क्योंकि आज सब निकले अपनी अपनी गाड़ियों में, बहुत खतरनाक। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत प्लेजेंट, मतलब लगता है लोगों को डिप्रेसिंग बट मेरे को ये वाला मौसम काफ़ी पसंद है, बहुत प्यारा लगता है। ये देखो बाइक, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। तो ये सड़कें देख रहे हो, मतलब इन लोगों ने इसको छेड़ा नहीं है, ये एक्चुअली मेडिवल पीरियड का शहर मतलब देश बना हुआ है और इनके घर भी लाइक उसी तरीके से बने हुए हैं। इन्होंने ऐसा ज़्यादा वो नहीं करा है कि बहुत आलीशान बना दिया हो, डेवलप कर दिया हो, इन्होंने उसकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन किया। आर्किटेक्चर भाई बहुत ख़तरनाक है, लाइक हर ये छोटी छोटी जगहें होती है ना, लाइक शॉप्स भी हैं तो वो भी उसी में ही बनी हुई हैं उन्होंने कुछ। ये देखो पीछे कितना कितना प्यारा व्यू है। यहाँ से नीचे स्लोप पर अभी सीनिक बालकनी में, और इसको बोला जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल बालकनी ऑफ यूरोप, और इट्स लाइक अ कॉर्निश, सीनिक कॉर्निश बोलते हैं एक्चुअली मैं इसको। और पीछे जो पूरा टाउन है, पूरा सिटी है, वो ओल्ड लग्जमबर्ग है एंड दिस इज़ द न्यू लग्जमबर्ग। और ये एक बालकनी है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, लगभग 17th सेंचुरी में इसको बनाया गया था और सम French people built this। तो लग्जमबर्ग एक्चुअली में एक डिबेट रहती है, ऑल्सो वहाँ वॉर्स हुए पहले, ये एक टाइम पर बेल्जियम में था, एक टाइम पर ये नीदरलैंड में आता था, फिर उसके बाद कुछ वॉर्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो उस काफ़ी टाइम बाद लगभग 1870 समथिंग में ये अलग हो गया। तो
इसने अपना एक कंट्री बना लिया लग्जमबर्ग। एंड जस्ट सी द व्यू। मैं जा रही हूँ कैसनेट्स। कैसनेट्स कुछ डोम लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ से भी व्यू देख लेते हैं। तो इसका कुछ तो लेना देना 1963 से है, मे बी ये 1963 में बनाओ। और भी कुछ तो लिखा है, तो जिसको लग्जमबर्गिश आती है तो वो ये पढ़ सकता है। और एक बहुत अच्छी बात जो मुझे इन कंट्रीज़ की लगती है, यूरोपियन कंट्रीज़ की, कि इनके जो घर होते हैं ना, मतलब जैसे बहुत स्पेशियस, यू नो लाइक कंजस्टेड नहीं है, एक साथ बहुत सारे घर, मतलब डेंसिटी, एक तो छोटा सा देश है फिर भी मतलब बहुत सारा लैंड खाली देखने को मिलता है। तो एक बहुत अच्छी बात है, लोग बहुत अमीर हैं यार, बिलियनियर्स हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लगभग 6-7 लाख लोग यहाँ पर हैं, ज़्यादा भी नहीं है। स्पेशियस है, सब कुछ देखने को मिलता है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी अमीरी होने के बाद भी ये लोग पता है अपने आप को विलेजर्स बोलते हैं, कि ये मेरा गांव है, ये मेरा गांव है। तो इट फील्स लाइक कि बहुत रॉ हैं लोग। मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी लगती है, दे आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। उनको पता है वो लोग बहुत कमा रहे हैं, खरीद लेंगे किसी को भी। आप खुद सोचो, मतलब मेरे जो होस्ट थे उनका सिर्फ एक रूम का रेंट लगभग एक महीने का 90,000 रुपये, मतलब INR में मैं बताऊँ 900 यूरोस पर मंथ लगभग जाता है उनका, एक महीने का 90,000 रुपये छोटे से रूम का। तो आप खुद सोचो मतलब कितना, हर महीने का लगभग 2 लाख रुपये उनका सिर्फ यही मेंटेनेंस और खाने पीने में, लिविंग एक्सपेंसेस में जाता है। तो ये लोग कमाते कितना होंगे। ये भी कुछ तो लिखा है, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ, बट या तो ये लग्जमबर्ग फ्रेंच में लिखा हुआ है, लग्जमबर्गिश में लिखा है, आई डोंट नो। तो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है कैस्केड्स का, तो हम नहीं जा सकते। और ये मुझे कुछ तो खंडा जैसा मिला है, लेट्स सी अंदर क्या है। ओके, जेल है, जेल नहीं, हम व्यू ले सकते हैं यहाँ से। ओके, जस्ट द सिटी व्यू, सेम। ओके, तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैं एक्चुअली किंग के पैलेस आई हुई थी, और ये किंग के बॉडीगार्ड्स, पुतले नहीं है ये, चलते इंसान है, देखो चलता हुआ दिख रहा है। लग्जमबर्ग एक लास्ट कंट्री बचा है जो कि मोनार्की फॉलो करता है। तो ग्रैंड ड्यूक का ये पैलेस है, और ICSE वालों को तो पता ही होगा ग्रैंड ड्यूक मोनार्की, मतलब इतना पढ़ा है अपन लोगों ने, थैंक्स टू सर बेबी मैथ्यू, आई एम रिमेम्बरिंग दोज डेज। और सो या, इट्स द लास्ट कंट्री लग्जमबर्ग टू फॉलो मोनार्की। और यहाँ पे उसका पैलेस है जहाँ पे सारे ही यू नो प्रोफेशनल मीट्स होती हैं, किंग्स आपस में मिलते हैं,
पहले बेल्जियम नीदरलैंड में भी किंग वगैरह अभी भी है, बट उनके वो ऐसा मोनार्की फॉलो नहीं करते हैं, बट हियर दे फॉलो। लग्जमबर्ग एक कंट्री है जिसकी वाइन्स अवार्ड विनिंग है, सो इट हैज़ सम ऑथेंटिक वाइन्स। तो जो वाइन्स लवर हैं, यार जर्मनी की वाइन्स भी बहुत अच्छी हैं। अभी देखो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती हूँ कि टेस्ट वगैरह क्या है, उसके अंदर की टेक्निकलिटी आई डोंट नो, बट इतना मैंने सुना है कि यहाँ की वाइन्स आर अवार्ड विनिंग वाइन्स। घूम के वापस उसी जगह पर आ गई, अभी दूसरी स्ट्रीट से बाहर निकली हूँ। इस वाली बुक स्टोर पर गई थी और मुझे एक्चुअली, मैं जिस भी कंट्री में जाती हूँ, जिस भी कंट्री के, अभी दो तीन ही कंट्री हुई है, ये तीसरी कंट्री है, तो वहाँ से मैं उस कंट्री का मैग्नेट लेती हूँ। तो मेरे को वही मैग्नेट चाहिए। अभी यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे मेरे को दिख रही है वो बाहर से मैग्नेट्स, बट वो बंद है, कुछ पता नहीं है कभी खुलेगी, और मेरे को मेरी बस भी लेनी है। तो मैंने पूछा इनसे, कुछ कुछ तो बताया है, अभी मैं जाके देखती हूँ। तो मिल गए मेरे को ये कुछ मैग्नेट्स हैं लग्जमबर्ग के, हम इसमें से जो मेरे को पसंद होंगे अच्छे से बोले। तो ये दोनों मैग्नेट्स मैंने लिए हैं। तो ये है गोल्डन लेडी और ये एक मेमोरियल है उन वॉलंटियर्स के लिए, लग्जमबर्ग के वॉलंटियर्स के लिए जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स के साथ आर्म्ड फोर्सेस में थे। तो जस्ट फॉर देयर मेमोरियल, इन देयर मेमोरी दे बिल्ड दिस गोल्डन लेडी। ये इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है पर अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ मैंने देखा तो ये वही है। कुछ चीज़ें थी सिटी साइड में देखने की, और जो कि मैंने सारी कवर कर ली है लगभग, अपने लिए सामान भी ले लिया जो मुझे लेना था। अब मेरी बस है बोलियन पी प्लस आर से, तो मुझे यहाँ से बस लेनी है उधर जाना, और बस है मेरी 12:30 बजे की, तो अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, और बस मेरे को मतलब यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस लगभग 15 मिनट है, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है। तो अभी बस थोड़ा सा चिल करके और बस वापस जाऊंगी। पानी और खाना सब मेरे होस्ट ने रख दिया था, लाइक ही वॉज अमेजिंग होस्ट। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था काउच सर्फिंग का, और आई थिंक द बेस्ट होस्ट, ही वॉज सो नाइस। सबसे ज़्यादा रिलीफ जो लग्जमबर्ग में रहा मेरे को वो था फ्री ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मैंने इतनी बसेस ली हैं यहाँ पे, सब कुछ ट्रैम्स बसेस मेट्रो सब कुछ फ्री है। तो ये यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत रिलीफ है, क्योंकि मेरे होस्ट ने बताया था, और वो तभी हो सकता है जब उसकी उस कंट्री की इकोनॉमी और यू नो पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तब GDP काफ़ी अच्छी हो, तो इट्स अमेजिंग। रही हूँ बस स्टैंड पर, और ये पीछे देखो सारी बसेस खड़ी लगी हुई हैं। यहाँ से मेरे को मिलेगी पेरिस की बस, मतलब मेरी ऑलरेडी बुक्ड है,
तो मैं अगर सो लूंगी अभी, हालांकि एक डेढ़ घंटा है, डेढ़ घंटा है लगभग मेरे को, तो अभी जाके देखती हूँ कि है यहाँ पे या नहीं है, या बाद में आएगी।